कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दो पन्नों की चिट्ठी लिखी है। राहुल गांधी ने इसमें कश्मीरी पंडितों की समस्याओं के बारे में बताया है। उन्होंने लिखा है कि जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग के बीच कश्मीरी पंडितों को घाटी में काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। साथ ही उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी द्वारा उनके लिए भिखारी जैसे शब्दों का प्रयोग गैर जिम्मेदाराना है। उन्होंने प्रधानमंत्री से कश्मीरी पंडितों की चिंताओं को दूर करने के लिए उचित कदम उठाने की अपील भी की है। राहुल ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखी चिट्ठी में बकायदा लिखा है, प्रिय प्रधानमंत्री जी, आशा है आप सकुशल होंगे। इस पत्र के माध्यम से मैं आपका ध्यान कश्मीर घाटी से विस्थापित कश्मीरी पंडित समुदाय की पीड़ा की ओर खींचना चाहता हूँ। आतंकियों द्वारा हाल में कश्मीरी पंडितों व अन्य लोगों की लगातार की जा रही टारगेटेड हत्याओं ने घाटी में डर और निराशा का माहौल बना दिया है। प्रधानमंत्री जी, पूरे भारत को प्रेम और एकता के सूत्र में पिरोने के लिए जारी भारत जोड़ो यात्रा के जम्मू पड़ाव में कश्मीरी पंडितों का एक प्रतिनिधि मंडल अपनी समस्याओं को लेकर मुझसे मिला। उन्होंने जानकारी दी कि सरकार के अधिकारी उन्हें कश्मीर घाटी में वापस काम पर जाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। इन हालातों में सुरक्षा और सलामती की पक्की गारंटी के बिना उन्हें घाटी में काम पर जाने के लिए मजबूर करना एक निर्दयी कदम है। हालात के सुधरने और सामान्य होने तक सरकार इन कश्मीरी पंडित कर्मचारियों से अन्य प्रशासकीय व जनसुविधा के कार्यों में सेवाएं ले सकती है। अपनी सुरक्षा और परिवार की चिंताओं को लेकर गुहार लगा रहे कश्मीरी पंडितों को आज जब सरकार से हमदर्दी और अपनेपन की उम्मीद है, तब उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी द्वारा उनके लिए भिखारी जैसे शब्दों का प्रयोग गैर जिम्मेदाराना है। प्रधानमंत्री जी, शायद आप स्थानीय प्रशासन के इस असंवेदनशील शैली से परिचित ना हो। मैंने कश्मीरी पंडित भाई बहनों को भरोसा दिया है कि उनकी चिंताओं व मांगों को आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करूंगा। मुझे उम्मीद है कि ये सूचना मिलते ही आप इस बारे में उचित कदम उठाएंगे। माता खीर भवानी की कृपा आप पर बनी रहे। धन्यवाद राहुल गांधी। अब इस तरीके से उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी है। इस खबर पर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ऐसी ही तमाम जानकारियों खबरों के लिए जुड़े रहें वीके न्यूज के साथ।